अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के जशपुर में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। सीएमसीआई की मांग पर उन्होंने ऐलान किया है कि स्टेडियम में आदिवासी खिलाड़ी ओलंपिक खेलेंगे, यही शुभकामनाएं हैं। दरअसल केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया पदयात्रा में शामिल होने जशपुर पहुंचे। सीएम साय, डिप्टी सीएम अरुण साह, मंत्री रामविचार नेताम, ओपी चौधरी और केंद्रीय मंत्री के साथ 10,000 से ज्यादा माई भारत यूथ वॉलंटियर्स ने 7 किलोमीटर की पदयात्रा की। पदयात्रा कोमोडो गांव से शुरू हुई और करीब 7 किलोमीटर की दूरी तय कर रणजीत स्टेडियम में खत्म हुई। हमारे सहयोगी गोपी कृष्ण साहू ने पदयात्रा के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से खास चर्चा की। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर गौरव जनजाति दिवस के अवसर पर पदयात्रा यहाँ पर जो है वो निकाली गई और मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्री मनसुख मांडविया यहाँ पर शामिल हुए। 7 किलोमीटर की पदयात्रा जो है अब वो जसपुर जिले में साहब ने सर पदयात्रा में आप शामिल हुए, 7 किलोमीटर की दूरी आपने तय की है। आज पदयात्रा में 150 से अधिक और 15,000 से ज्यादा भारत के वॉलंटियर कार्यकर्ता जो है मैं उसमें करने के लिए आया हूँ। ये कार्यक्रम स्वच्छता के साथ, समाज सेवा के साथ, राष्ट्र निर्माण में और प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत की परिकल्पना को चरितार्थ करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए संकल्प व्यक्त करा है। मैं सभी यूथ वॉलंटियर को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सर आप जगह जगह पर स्वागत भी किया गया, आपने घोषणा भी की है स्टेडियम के लिए, तो इस क्षेत्र की जनता के लिए आपने सौगात भी दी है। इस तरह के जो अभियान है जो पूरे देश में अब एक माहौल जो बन चुका है उसे किस तरह से आगे और बढ़ावा देंगे? चलो नेक्स्ट, तेरी बारी खत्म। एक सर किस तरीके से स्वागत है? हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जी, जिन्होंने कहा है कि किस तरीके से लगभग 10,000 से अधिक जो यूथ इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं और किस तरीके से अब आने वाले समय में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जो ये पदयात्रा निकाली गई है, इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो आदिवासी जो परंपरा है, संस्कृति है, उसके संरक्षण के लिए जो कार्य जो है वो किए हैं उसे आगे वाले दिनों में बढ़ावा मिलेगा। कैमरा पर्सन केशव निषाद के साथ में गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, जशपुर। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ में माटी के वीर पदयात्रा की शुरुआत होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में पदयात्रा का आयोजन किया है जिसमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ तमाम मंत्रीगण मौजूद रहेंगे और इस पदयात्रा में मंत्रियों के साथ में 10,000 यूथ वॉलंटियर भी शामिल होंगे। हम अभी जसपुर में है जहाँ पर प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इस पदयात्रा की शुरुआत सभा से होगी और सभा से ठीक पहले प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया जाएगा। देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई जिसमें जो आदिवासी जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उन नायकों की यहाँ पर वीर गाथा जो है वो बताई गई, उनका जो परिचय, क्योंकि ताकि छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, जो यूथ है वो इन वीरों को जान सके, इसलिए इनकी प्रदर्शनी जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। तमाम वो यहाँ पर वीर एक एक करके आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि सभी की जो वीर गाथा है, किस तरीके से इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, किस तरीके से आदिवासी परंपरा संस्कृति के संरक्षण के लिए इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, इन तमाम गाथाओं की यहाँ पर जानकारी जो है वो दी गई है। बता दें कि लगभग 11 स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं जो सरगुजा संभाग के जो 6 जिले हैं उनके द्वारा यहाँ पर स्टॉल लगाया गया और अलग अलग माध्यम से छत्तीसगढ़ की संस्कृति, आदिवासी संस्कृति परंपरा को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। देख सकते हैं कि चाहे वो इधर की जो औषधि है, जो वनस्पति है, उनका यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। साथ ही जो आदिवासी जो व्यंजन होती है, खास तौर पर जो पारंपरिक व्यंजन है, चाहे वो महुआ लाटा की बात करें, चाहे वो पुआ है, मड़ुआ रोटी है, मक्का रोटी है, इसके भी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। देख सकते हैं कि ये अंधा है, इसमें एक एक करके जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शनी जो है वो यहाँ पर लगाई गई है ताकि लोग व्यंजन को भी, आदिवासी जो व्यंजन है, उसे पारंपरिक जो व्यंजन है उसे जान सके, इसकी प्रदर्शनी यहाँ पर बिल्कुल लगाई गई है। स्वादिष्ट जो है वो ये व्यंजन यहाँ पर है, साथ ही किस तरीके से आदिवासी लोग हैं, जो आदिवासी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं किस तरीके से यहाँ पर अपने कार्य करती है, जो यहाँ पर देख सकते हैं कि महुआ पत्ता का जो खोमरा है, छिंद की जो चटाई है, टोकरी है, वो यहाँ पर महिलाओं के द्वारा तैयार
किए जा रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं ये अपना जीवन यापन करते हैं, इसी के द्वारा ही छत्तीसगढ़ी जो संस्कृति है, जो आदिवासी परंपरा है, संस्कृति है, उसका संरक्षण इसी से हो पाता है। देख सकते हैं कि और भी जो जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर यहाँ पर शिल्प कला का जो यहाँ पर प्रदर्शनी जो है वो लगाई गई है। देख सकते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा माटी के वीर जो है उनके द्वारा यहाँ पर प्रदर्शनी के माध्यम से जो कई सारी वस्तुएं वहाँ पर तैयार की जा रही है कि आप देख सकते हैं इन्हीं वस्तुओं का जो कोशक की अगर हम बात करें तो इसी से ये जो गोदना है पेंटिंग, गोदना पेंटिंग आर्ट्स में उसकी भी यहाँ पर उकेरी जा रही है साड़ियों में। और भी देख सकते हैं कि एक और खूबसूरत तस्वीर जो देवालय होते हैं गाँव में उसकी किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है, जो देवगुड़ी विकास जो संस्कृति पारंपरिक जो विकास है उसका किस तरीके से संरक्षण हो, इसके लिए यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। हम यहाँ पर लोगों से बात भी करेंगे किस तरीके से यह प्रदर्शनी है, क्या कुछ इसमें देखने को मिलेगा। ये आप लोगों ने प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, पूजा पाठ यहाँ पर करते क्या दर्शाना चाह, क्या दर्शाया गया इसमें? हमारा गोंड जनजाति समुदाय में जो परंपरा है, जो हमारी व्यवस्था है, जो गांव में हम जो निवासरत हैं उनका हम यहाँ इस लगा कर उनके जो सांस्कृतिक हैं उनको दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग गाँव में रहन सहन होते हैं उनको हम प्रदर्शित करके दिखाना चाहते हैं। साथ ही हमारे जो समुदाय में जो पारंपरिक रूप से जो इस्तेमाल होता है वो हमारा जो क्या क्या इस्तेमाल होता है वो सब हम प्रदर्शित कर रहे हैं। जो हमारा पारंपरिक जो भोजन है व्यंजन है उनको भी हम स्टॉल लगाए हैं कि हम क्या खाते हैं, क्या हमारे पूर्वजों ने इसे बनाया है उसको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये इस तरीके के स्टॉल के माध्यम से जब आदिवासी जब परंपरा संस्कृति को एक दर्शाने का मौका मिलता ताकि लोग इसे जान सके, तो इस तरीके के मौके कैसे आप लोग देख पाते हैं, कैसे देखते हैं ऐसे मौकों को? हम ये चाहते हैं कि हमारे जो आदिवासी संस्कृति रहा है या उनका जो व्यवस्था रहा है प्रकृति के साथ में जो सदियों से चलते आ रहा है उसको भी आने वाला पीढ़ी भी उसको अपना अपने ऊपर ले, उसको अमल में लाए ताकि जल जंगल जमीन के साथ भी हमारे जो पारंपरिक जो पूजा पद्धति है उसको लोग ज्यादा से ज्यादा अपनाए। ये हमारा उद्देश्य है, सभी लोग इसको जाने और समझे और संस्कृति को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। जल जंगल जमीन की संरक्षण यही आदिवासी की पहचान है और इसी पहचान को यहाँ पर लगातार दर्शाया जा रहा है। देवगुड़ी की जो परंपरा है यहाँ पर भी देख सकते हैं कि उसी देवगुड़ी परंपरा के तहत यहाँ पर पूजा अर्चना की जो है वो भी तैयारी, देवालय जो गांवों में जो ठाकुर रहते हैं जो देवालय होते हैं उसकी किस तरीके से पूजा की जाती है वही यहाँ पर भी प्रदर्शित किया गया है। साथ ही ये देख सकते हैं कि और भी अलग अलग जो जिलों से जो लोग आए हैं वो अपनी अपनी संस्कृति अपनी अपनी परंपरा का प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है। जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर जो ये पदयात्रा की जो आयोजन किया गया है इसका उद्देश्य भी यही है कि किस तरीके से आदिवासी संस्कृति आदिवासी परंपरा को पूरे देश भर में किस तरीके से फैलाया जाए और इसके परंपरा और संस्कृति के संरक्षण किस तरीके से किया जा सकता है, इसे ही उद्देश्य रहा है। जसपुर में आज 7 किलोमीटर की पदयात्रा निकलेगी और इस पदयात्रा के माध्यम से कई सारे जो एक उद्देश्य हैं इस पदयात्रा के वो पूरे देश भर में दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस पदयात्रा में शामिल होंगे और हजारों की संख्या में यूथ जो है इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और इस यूथ के माध्यम से ही इस जो संस्कृति परंपरा है जिसका संरक्षण किया जाना है इसका एक जो उद्देश्य के साथ में यह पदयात्रा जो है वह निकाली जाएगी। कैमरा पर्सन टिकेश्वर निषाद के साथ में गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, जशपुर।